नमस्ते दोस्तों दोस्तों बेरोजगारी भत्ते के लिए फिर से नई अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। दोस्तों बात करता हूँ बेरोजगारी भत्ते के, तो ये जो फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म 3 बार बैक आने के बाद भी अप्रूव हुआ है, और किस तरीके से ये बैक आया है और क्या क्या दिक्कतें आई थी इसके बैक आने में, तो यही कॉमन प्रोसेज हैं जो सभी के आ रहा है। यही दिक्कतें आपके भी आती होगी, तो इस वीडियो के देख के आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा। दोस्तों एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे इस वैकेंसी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वैकेंसी अड्डा यूट्यूब चैनल है जिस पर सभी तरह की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और अन्य सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो स्टूडेंट के लिए, जो बेरोजगारों के लिए या जो रिक्रूटमेंट की जो तैयारी करें उनके लिए सारी अपडेट्स मिलती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल से कनेक्ट रहें तो आपको सभी तरह की नई अपडेट्स मिलती रहेगी। और प्लीज हमारे इस बेल आइकन पर सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसको भी ओके करें या टिक करें ताकि हमारी नई अपडेट ऑटोमेटिकली आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि बेरोजगारी भत्ते में जो किस तरह की कॉमन दिक्कतें हैं वो आती हैं और उसके बाद ये फॉर्म जो है अप्रूव हो जाता है और 1 महीने के भीतर भीतर जो है इनकी जो अनाउंसमेंट जो है अलाउंस जो है वो आ जाएगा 3,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट हैं। तो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे, आपकी भी कॉमन दिक्कत इनसे सॉल्व हो जाएगी। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को, कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं और देखते हैं, सबसे पहले आपको जाना है आपके SSO ID में। दोस्तों इनकम का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया गया है, नोटरी की भी दिक्कत रहती है और किन किन के साइन कराएं सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन हो जाएगा और कैसे अप्रूव होगा अगर आपके भी ये कॉमन दिक्कत है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों SSO ID से शुरू करते हैं। SSO ID लॉगिन करना है आपका। SSO ID लॉगिन होने के बाद में आपको क्या प्रोसीजर करना है और ये अप्रूव हुआ फॉर्म भी आपको दिखा देते हैं और इसने कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड किए वो भी आपको ओपन करके दिखाएंगे, इनके सारे ओपन डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये SSO ID ओपन होने के बाद में ये जो रोजगार का जो पोर्टल है, लोगो हैं, इसको ओपन करेंगे तो इसमें अपन की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आ जाएगी। और ये बेसिक डिटेल्स आने के बाद में ये फॉर्म फिलअप होने वाला फॉर्म जो पहले अप्रूव हो गया है उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। ये फॉर्म है जो फिलअप हो गया है तो इनकी जो डिटेल्स हैं इसको ओपन करते हैं। देखिए आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म अप्रूव है या नहीं, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको अप्रूवल दिख रहा है। ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है और इसके जल्दी ही जो बता है वो आने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है। ये अप्रूवल 1 महीने के भीतर भीतर इनकी जो है बेरोजगारी भत्ता जो है चालू हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं किस तरह से अपलोड किए हैं ताकि आपके भी कोई सॉल्यूशन है वो हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए आप जिस तरह से ये चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या अपलोड किया ताकि आप भी इस तरीके से अपलोड करें तो आपका भी अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया और नए जो आई और अभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी डिटेल भी आपको बता दूँ। अभी 7 जुलाई के बाद में 7 जुलाई 2019 को आय का नया घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। आय के फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आय को चेंज कर दिया गया है। इस फॉर्मेट के अनुसार आय भरा जाएगा अब। तो आय के लिए हमारे एक अलग से वीडियो बनाए गए हैं, इनकम नए इनकम पे जो ये किस तरह से भरना है स्टेप बाई स्टेप सारी जानकारी फिलअप करके दिए मैंने, अपनी सारी डिटेल फिलअप करके उसमें डाला है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसके साथ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकम का के फॉर्मेट जो वो भी चेंज हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो नई अपडेट्स हैं वो 7 जुलाई की हैं। 7 जुलाई 2019 को ये नया फॉर्मेट डाला है I&K का। तो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज है आपके लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अप्रूव होने वाले ने कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, चूंकि उन्होंने आय पहले कर दिया था तो उनका आय पुराने वाला है, लेकिन उन्होंने किस तरह से नोटरी करवाई और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी सारी जानकारी आपको देंगे। कंटिन्यू रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये आई और इसका फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं इन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अपने, उसको चेक करते हैं। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो आपको पता है ये सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
और ये स्व घोषणा पत्र जो है 10 पॉइंट वाला और एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं 7 जुलाई तक। ये दो पुराने फॉर्म सेम है, आई के आई एंड के फॉर्म है, इनको अपडेट किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और इनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है और 3 बार इनका फॉर्म वापस आया था उसके बाद अप्रूव हुआ है। तो ये इनकम डिक्लेरेशन जो है वो व्यू में जाके हम देख लेते हैं। तो इनकम इन्होंने कैसे अप्रूव किया देख लेते हैं, सॉरी कैसे फिलअप किया है डिटेल्स ये आपको बता देते हैं। ओपन हो रहा है इनके द्वारा जो ये फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कैसे भरा है फिलअप किया है। ये देखिए इनका नाम है, पिताजी का नाम है, मदर का नाम है और इन्होंने अपनी नील बताई है, फादर की इन्होंने 40,000 बताई है और ये नोटरी यहाँ कराई है और ऊपर फोटो में भी नोटरी करवा दी है। ये 40,000 इनके फादर की आय जो है वो लिख रखी है, ये नोटरी यहाँ करवाई है और इनके नोटरी के नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो कर रहे हैं। अब इनकम सेकेंड इसको देख लेते हैं, इनकम सेकेंड जो है के है वो कैसे फिलअप किया है, के की जानकारी भी देख लेते हैं। ये के है, इन्होंने यहाँ नोटरी कराई जिसमें सारी डिटेल्स दिख रही हैं और इन्होंने सरपंच का कराया उसके बावजूद भी इनका काम हो चुका है, हालांकि अभी सरपंच की वजह से वापस बैक भी आ रहे हैं। तो इन्होंने फॉर्म फिलअप किया खुद के नाम से और सारी जानकारी खुद के नाम से फिलअप की है और इस तरीके से इनका आई भी कम्प्लीट हो गया है और के भी कम्प्लीट हो गया है। नोटरी बिल्कुल साफ होनी चाहिए जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्सपायर डेट नोटरी कर्ता की होनी चाहिए। ये जो फॉर्म है वो सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और ये फॉर्म इस तरीके से भरा इन्होंने और इनका फॉर्म अप्रूव हो गया। इसके बाद बचता है सेल्फ डिक्लेरेशन, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से भरा, उसके बाद भी ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है और इनकी जो भत्ता है वो जल्दी आने वाला है। अब उसका टाइम पीरियड तो नहीं शो कर सकते, महीने भर के टाइम में ये देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन जो है इन्होंने फिर ये भरा है, ये हो गया इनका कम्प्लीट और इनका अप्रूव भी हो चुका है। ये अभी लेटेस्ट फॉर्मेट जो है इन्होंने अपडेट किए हैं, तो आप देख सकते हैं ये नोटरी हो गया है दोनों साइड से और ये कंप्लीट फॉर्म है। अब आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाई सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जोधपुर। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने अप्लाई किया था और इनका अप्रूव हो चुका है। इनका 3 स्टेप में वापस आया था, 1, 2 और 3, 3 स्टेप में इन्होंने वापस भेजा है। किस किस स्टेप में आया, पहली बार जो आया सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ई साइन करें, NXR 1 अपलोड करें, सेकेंड बार जो इनका आया था, थर्ड बार के जो इनकम सर्टिफिकेट खुद के नाम से भरें और अपने फैमिली के सारे नाम लिख के इसको अपलोड करें। तो यही सारा इन्होंने किया और इनका अप्रूव हो गया। इनका प्रोसेस पूरा का पूरा मेरे द्वारा किया गया है और मैंने ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, नए फॉर्मेट से किए हैं और सभी एकदम सुरक्षित किए हैं, व्यवस्थित ढंग से किए हैं, तो इनका फॉर्म अप्रूव हो गया है दोस्तों। तो आपसे भी अनुरोध है कि इसी स्टाइल में इसका फॉर्म भरें। आय प्रमाण पत्र को भरने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे वीडियो को देखें, एक जो वीडियो हमने आई पी बनाया है नया फॉर्म है जो 7 जुलाई को आया उस पर बनाया फिलअप करके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अपलोड करें और इस फॉर्म को भरें। थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका भी फॉर्म फिलअप हो और ये फॉर्म जो अप्रूव हो गया है उसके बारे में आपको बताएं। तो दोस्तों अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।